आज स्टार्टिंग करते हैं। ये गाइस हम लोग रेडी हैं जाने के लिए और ये देख सकते हो कितना सारा लगेज है हमारे पास, जो कि ये देख सकते हो बहुत सारा पैक कर लिया है और बहुत सारा ना अभी साइड में रखा हुआ है। तो भाई हमने घर पूरा पैक कर दिया है और बस निकलने ही वाले हैं, रेडी हैं बिल्कुल। और अच्छा मैंने आपको एक सीक्रेट तो बताया नहीं हम घर क्यों जा रहे हैं। क्या हुआ? तो भाई भी यही सामने है बट वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है। अच्छा मत आओ रिवील नहीं करूंगी तुम्हारा, ठीक है? और शादी के सारे व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सो व्लॉग में कंटिन्यू रहना। और चलो भाई फटाफट से निकलते हैं, ट्रेन हो रही है, मतलब ट्रेन का टाइम हो रहा है। अच्छा मैं अभी दीदी के घर गई थी और कुछ सामान वगैरह देने और बस अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अच्छा भाई कैब बुक कर रहा था, कैब ने यार काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया, बार बार कैंसिल कर रहे थे। एक्चुअली थोड़ा सा ना ट्रैफिक ज़्यादा होता है दोपहर में, मतलब दोपहर के बाद से यार हर टाइम ट्रैफिक ही रहता है, क्या ही बोलूँ मैं। तो ट्रैफिक की वजह से ना कैब बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। फिर यार कैसे तैसे करके ऑटो मिल गई, ऑटो हमने बुक की थी और ऑटो मिली, अंकल बहुत अच्छे थे। लेकिन यार बीच में हमें फिर से बहुत लंबा वाला ट्रैफिक मिल गया, बट अंकल अच्छे थे तो पता नहीं, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो लेकर के गए, पता नहीं कैसे इधर से घुमाते हुए लेकर के गए। और एक आगे बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ, वो मैंने यार फर्स्ट टाइम देखी थी, मुझे नहीं पता आपने देखी है कभी नहीं देखी है, बट मैंने वो चीज़ फर्स्ट टाइम देखी थी, तो देखना मत भूलना बिल्कुल भी। यहाँ पर ट्रैफिक था तो यहाँ से यू टर्न लिया अंकल ने और फिर पता नहीं किधर से घुमाते हुए हमें लेकर गए थे। सो वेट आने वाला है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक्चुअली। हाँ ये देखो, ये एक्चुअली यमुना पुल है जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है और ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है, ये पुल पूरा लोहे का बना हुआ है। और मतलब तब तक तो ठीक था जब तक मुझे पता नहीं था कि इसके ऊपर कुछ है, जब अंकल ने बताया कि इसके ऊपर ट्रेन चल रही है अभी, भाई मतलब मुझे ना इतना डर लगा ना कि मतलब ऊपर ट्रेन चल रही है और इस धजाड़े से, मतलब देखने में तो यार ऐसे ही लगता है, बाकी मजबूत है तभी तो इतने टाइम से चल रहा है ना, बट अच्छा लगता है जब कोई नई नई चीज़ें आप देखते हो। अच्छा ये प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान है, यहाँ से निकलते हुए पहुँच रहे हैं स्टेशन, बस पहुँचने ही वाले हैं, बस जल्दी से पहुँच जाते हैं। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और हमें तो एक टाइम भी लग रहा था यार हमारी ट्रेन आज छूट जाएगी, पर जैसे तैसे हम पहुंचने वाले हैं। और ओ माय गॉड हम पहुंच चुके हैं और बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, 10 मिनट पहले ही ट्रेन पर पहुंचे हैं हम। अच्छा मतलब यार जब लगेज हमारे पास काफ़ी सारा था तो वीडियो कहीं पर और शूट करना मुश्किल हो जाता है, सो आप ये देख सकते हो बस इस तरीके से मैं वीडियो जैसे तैसे बना रही थी। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ का इशू हो सकता है क्योंकि मैं घर माइक लेकर नहीं आई हूँ, क्या क्या यार लेकर के आती, बहुत सारा सामान हो गया था तो मैंने सोचा यार जितना कम हो सके, बट हाँ मैंने ट्राईपॉड रख लिया है क्योंकि मुझे ब्लॉग बहुत सारे बनाने हैं इधर पर। और भाई ये यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है, शायद आपके साथ भी होती होगी, ईयरफोन वाली, यार इस तरीके से उलझी पड़ी रहती है मेरी ईयरफोन, जब यूज़ करना होता है बस ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ, बट कभी कभी भाई इसको सुलझा भी लेती हूँ जो कि सबसे ज़्यादा टफ काम होता है। और हम महोबा पहुँच चुके हैं, हम कितने टाइम पहुँचे थे, आई थिंक 1:15 बजे पहुँचे थे। और ये बना रहा है भाई मैगी और चाय मेरे छोटू ने बना के रख दिया था बीड़ू ने, और तो हमने पहले चाय पी उसके बाद फिर हमने मैगी खाई। और अच्छा ट्रेन से उतरने के बाद ब्लॉग बनाने का कोई ऐसा मौका नहीं मिला, मैं बाहर का ब्लॉग का व्यू वगैरह नहीं ले पाई हूँ, बट यस कल से अगर ब्लॉग बनाने स्टार्ट करूँगी तो आपको घर का भी दिखाऊंगी, बाहर का भी दिखाऊंगी, सारा दिखाऊंगी घर में क्या तैयारियाँ चल रही हैं, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा यहाँ पर हमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, 1:30 बज गए थे, हम 1 बजे तो घर ही आए थे और 1:30 बज गए। यहाँ पर आप देख सकते हो मम्मी पापा सोए पड़े हुए हैं और हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था, जब आए थे तब थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गए थे बट वो सो गए, फिर हमने कह दिया आप सो जाओ भाई अभी बहुत ज़्यादा रात है, नींद खराब हो जाएगी फिर, और क्योंकि भाई हम तो देर तक सोते रहेंगे लेकिन मम्मी पापा को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और ये मेरी मैगी बन करके तैयार है और हम दोनों इस तरह के कुछ खाने में लगे हुए हैं, रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे हम लोग मैगी खा रहे हैं और मैं ज़्यादा तेज बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि घर में अभी सब लोग सो रहे हैं, रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, ठीक है? बीच में मत बोलो फिर कहोगे मेरी आवाज़ आ गई। हाँ तो मैगी खाने का मजा ही अलग होता है ना। हाँ तो वैसे रिकॉर्ड करने के लिए मुझे मत बता, नहीं रिकॉर्ड करने के लिए तो मेरा सारा ब्लॉग खराब करवा देते हो, पता है इसमें डालना बिग बॉस वाला, रात के 2 बजे, रात के 2 बजे
था ना बिग बॉस रात के 2 बजे ऐसे डालेंगे फिर मनाना इस पर। अच्छा ओके हाँ वैसे बिल्कुल सही मतलब सही बात है। रात में बिल्कुल 2 ही बज रहे हैं अपने फोन पे दिखाना 2 बज रहे हैं टाइम है पक्का। ये देखा आपने रात में 2 बजे हम लोग मैगी खा रहे हैं और मतलब बहुत मजा आ रहा है रात में मैगी खाने का मजा अलग ही होता है। नुकसान होता है नहीं नुकसान तो होता है लेकिन भूख भी लग रही थी कुछ खाना भी था तो बस मैगी हमारी सबसे बेस्ट। बहुत ही प्लेन मैगी बनाई है मतलब डाइट की और जिनको आलस आता है वो बना सकते हैं। मैं भी जल्दी से मैगी फिनिश करती हूँ तो नीचे गिराती जब आती भाई हमने मैगी खा ली है पेट हमारा बिल्कुल फुल हो चुका है और मैगी खाने के बाद अब समझ आ रहा है कि यार नहीं खानी चाहिए थी। मतलब मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब मैदा का या कुछ मैगी वगैरह इस चीज़ कुछ खा लेती हूँ जब मेरा पेट भर जाता है ना उसके बाद चीज़ें समझ आ जाती हैं कि नहीं खाना चाहिए था मतलब अच्छी बात नहीं है ये चीज़ें खाना। तो वो भी थी रात में यार इस तरीके से खाना पता नहीं क्यों मन कर रहा था खा लिया और पेट फुल हो चुका है। अब हम जा रहे हैं सोने जो कि बहुत गलत बात है इतना सारा मैदा भर के फिर सोने जा रहे हैं। ट्रेन से उतरने के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि वही लगेज हमारे पास इतना था कि हमने साथ में ले रखा था लगेज वीडियो शूट करने का कोई टाइम ही नहीं मिला। अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकती वीडियो भाई धीमा कर लो सब जग जाएंगे घर में जिसकी वजह से मैं इतनी धीरे धीरे बोल रही हूँ अपने ब्लॉग में और तो मैं तुमने बजा रहा हूँ। अच्छा भाई गुड नाइट ब्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड बाय बाय। सुबह से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी घर में क्या तैयारियाँ चल रही हैं भाई मेरे भाई की शादी है ऑब्वियसली बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है तो घर में क्या तैयारियाँ चल रही हैं सारी चीज़ आपके साथ सुबह से स्टार्ट करूँगी ब्लॉग। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना और हाँ आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना सो दैट कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय गुड नाइट।